नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम आर कुमार टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, ये ब्लूटूथ स्पीकर है जिसका जो चार्जिंग कनेक्टर, जो चार्जिंग जैक है, सो ये टूट चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं। सो इसको मैं ओपन अप कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये बटन साइड में रख देता हूँ। और ये जो कनेक्टर है, ये इसका जो कनेक्टर का ट्रैक है जहाँ पे ये प्रिंट होते हैं, वो भी यहाँ से पूरी तरह आप देख सकते हैं टूट चुके हैं। यानी कि इसको वापस यहाँ पे सोल्ड करके लगाना इम्पॉसिबल है। सो इसके लिए मैंने एक दूसरा जुगाड़ लगाया है। वो कनेक्टर लगाएंगे, वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं और ऐसे ही रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको यूज़फुल रहा या नहीं। सो इस तरीके से आपको जो है ये स्पीकर वगैरह बाहर निकाल कर यहाँ पर थोड़ा स्पीकर के ऊपर की साइड में ट्वीज़र की मदद से यहाँ पर छेद निकाल लेना है। इसको यहाँ से थोड़ा अच्छे से साफ कर ले और जो छेद है वो थोड़ा ज़्यादा लूज़ नहीं करे, क्योंकि कनेक्टर जो है अपना एकदम फिक्स होना चाहिए। ये इस तरीके से बाज़ार में कनेक्टर अलग से, जो चार्जर मोबाइल का आता है उस तरीके से अलग से अवेलेबल मिल जाता है। ये कभी ख़राब नहीं होगा आपका दोबारा। सो मैं इसमें इसको फिट कर दे रहा हूँ। इस तरह आप भी यहाँ पर इसको अच्छे से फिट कर लें। ये थोड़ा एकदम फिट होना चाहिए ताकि ये जब अगर बार बार आप चार्ज वगैरह चार्जर निकालेंगे केबल को, तो ये इधर उधर घूमे, हिले डुले नहीं। इन्हों को थोड़ा ऊपर फोल्ड कर लेता हूँ। ये वायर जो है दोनों साइड में, दोनों पिनों पे प्लस और माइनस पे अच्छे से सोल्ड कर लेना है। सो गाइज, मेरे जो अबाउट में इसमें सेकंड चैनल भी है जो मैंने नया बनाया है ब्लॉग संबंधी। अगर आप ब्लॉग संबंधी चैनल देखना चाहते हो तो वहाँ पर जाके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। सो इस तरीके से स्पीकर को अच्छे से वापस फिट कर लेना है। और ये आपका जो चार्जिंग कनेक्टर है एकदम परफेक्टली लग चुका है। ये अब आपके चार्जिंग कनेक्टर कभी ख़राब नहीं होगा। वायर जो है ये यहाँ पर बारीक सा होल दिया हुआ है, यहाँ दोनों वायर को बाहर की ओर निकाल लें। इसको जो ये इसका कैप है इसको यहाँ पर लगा दिया है मैंने। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो चार्जिंग कनेक्टर का ग्राउंड पिन है, और ये यहाँ पे एक प्रोटेक्शन के लिए जो 5 वोल्ट की सप्लाई है इसके प्रोटेक्शन के लिए डायोड है। ये नेगेटिव, ये इस साइड में पॉजिटिव। तो जो डायोड का पॉजिटिव सिरा है वहाँ हमें प्लस वाला लगाना है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वोल्ट मिल चुके हैं चार्जर की सहायता से, मैंने जब जैक लगाया। और ये वाला जो रेड वाला वायर है ये नेगेटिव है और ब्राउन वाला पॉजिटिव है। तो इसको पॉजिटिव वाले को डायोड का जो कैथोड है इस पे लगा देना है और इसको ग्राउंड नेगेटिव पे सोल्ड कर देना है। ये अच्छे से मैंने सोल्ड कर दिया है। ये हम टेस्ट करते हैं। ये चार्जिंग लगाया मैंने और आप देख सकते हैं ऑन हो चुका है, चार्जिंग शुरू जो शो कर चुका है। और ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। ये वापस जैसे ही लगाया ये
इंडिकेट शो कर रहा है, यानी कि ये जो कनेक्टर है एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है हमारा। सो मैं इसको वापस जैसे था वैसे एज इट इज आपको भी फिट कर लेना है इस तरीके से। ये इसका जो बैक साइड का कैप है, इसको स्क्रू को जैसे अच्छे से ग्रिप में फिट करके इसको, जो स्क्रू है उनको आप फिट कर लें। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो कैसे लगे तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इस तरीके से आप कोई भी चार्जिंग कनेक्टर अगर आपका ख़राब हो जाता है तो आप रिप्लेस करें, तो प्रिंट उखड़ने के बाद से तो ये सॉकेट का इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।